नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईआईटी और एनआईटी के द्वारा शुरू की गई समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि आईआईटी और एनआईटी हर बार एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े प्रोफेसर्स के अंदर रिसर्च करने का, साथ ही इंटर्नशिप कम्प्लीट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर आप आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सीवी में एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप, जो कि इतने बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट से उसका सर्टिफिकेट लगे, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शॉर्टलिस्ट के कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीइंग अ आप बैचलर स्टूडेंट्स या फिर बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आईआईटी एनआईटी की इंटर्नशिप की डिग्री होती है या फिर सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा आगे के आपके जो फ्यूचर रहेगा उसमें। अब इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हम देख लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करने पे इस पेज में आ जाएंगे, जो कि आईआईटी गांधीनगर का पेज है। यहाँ पे आपको इस समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंट्री वाइज पूरा प्रोग्राम चलता है, यहाँ पे कोई भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके प्रोफेसर्स, उनकी फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट करने की और अपने आप को इस इतने बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट का पार्ट बनाने की। अब इससे जुड़ी जो कुछ जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करने पे मिल जाएंगी जरूर से। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि अगर आप बैचलर्स मास्टर्स किसी के भी बच्चे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 8 वीक्स की रहेगी, दैट मीन्स 2 महीने के आसपास रहेगी। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 26 अप्रैल 2021 तक का है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आपका जो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सिलेक्शन बेसिस डिस्पेंड होगा तो आपका क्राइटेरिया वहां पे जरूर फुलफिल हो जाना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो इसमें एप्लीकेंट्स हैं उनको आईआईटी गांधीनगर में फैकल्टी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वही जो आपकी फैकल्टी रहेगी, जो आपका बॉस रहेगा, वही आपके सारे प्रोजेक्ट वर्क्स और आपकी पूरा जो इंटर्नशिप का पीरियड है उसको ओवरव्यू करेगा। साथ ही यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे बच्चे वो इंटर्नशिप के लिए करने वाले हैं, तो अगर आपका प्रायर कोई एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप में तो उसमें बेसिस पे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस या फिर कोई भी आपको इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आप एज अ एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी बनाने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिलेगा, और ये सारी चीजों को आप आगे जाके भी अपने काम में जरूर ले सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो इंटर्नशिप होने वाली है ये 2 तरीके से होने वाली है, एक ऑनलाइन मोड में एक ऑफलाइन मोड में। अगर आप ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, पर बिल्कुल बाकी सारी चीजें सेम टू सेम चलेंगी जो कि ऑफलाइन मोड में रहेंगी। ऑनलाइन मोड में भी आपको इनकी फैकल्टी से बात करने का, कम्युनिकेशन करने का मौका और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका जरूर मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन मोड पे लेते हैं तो आप पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ ही आपको उनके कैंपस पे काम करने का मौका और साथ ही उनकी जो फैकल्टीज है उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करने का मौका जरूर मिलेगा। और आप सब ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज हम ऑफलाइन मोड में करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों मोड में से कोई भी एक चूज जरूर कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा जो इनकी स्टाइपेंड है वो 2000 रुपए की है पर वीक रहेगी, जो कि आपकी पूरी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में आपको जरूर मिलने वाली है। अब जैसे यहाँ पे हॉस्टल का एकोमोडेशन भी आपको मिल सकता है अगर आप इसमें अप्लाई कर देंगे पहले से, तो इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन लेना चाहते हैं और उनके हॉस्टल में कैंपस के अंदर रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले से अप्लाई करना रहेगा। अब इसमें एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको उसके जुड़ा फ्लायर, प्रोजेक्ट्स, पोर्टल और एफएक्यूज दिख जाएंगे कुछ आपकी अगर क्वेरीज है तो उसके लिए। यहाँ पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो इस तरह से आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम का पेज है। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स वाला जो कॉलम है वहां पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे प्रोस्पेक्ट इंटर्न्स पे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है पहली बार या दूसरी बार 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो, क्योंकि बीच में जब मैंने भी पहली बार कोशिश की था वहां पे ग्लिच आ गया था और कुछ दूसरे एड्स या गूगल के
पॉलिसीज अगर खुलने लगे थे, इसलिए आप दो तीन बार ट्राई करिएगा फिर आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले क्राइटेरिया पे क्लिक करने पर आपका ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है एक एक करके। आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स मतलब फैकल्टी का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपने वहां ऊपर पढ़ा होगा, जैसे कि आपको वहां पे पढ़ने का मौका मिला था कि कौन सी फैकल्टी किस तरह का प्रोग्राम करने वाली है, तो ये डिटेल्स आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है जो भी आपको पसंद आए, जिसके भी अंडर में आप काम करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स फुलफिल कर देने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तो आपको ईमेल में नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। जो हमारी अगली इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है वो एनआईटी की तरफ से है। ये एनआईटी वारंगल की तरफ से है, वारंगल तेलंगाना का एक शहर है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ से आपको समर इंटर्नशिप का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। आपको ये पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये स्टूडेंट इंटर्नशिप है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें अभी तक नहीं बताई गई है। एलिजिबिलिटी जो इसकी है कि अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास होने चाहिए आप, 60% से ज्यादा के आपके एग्रीगेट्स होने चाहिए। इसमें जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, एक्टिव पैसिव सर्किट्स और माइक्रोवेव एम्पलीफायर, इस तरह की चीजों का। इसके अलावा आपको की साइट्स, एडीएस, केडेंसेस, इस तरह की चीजें आनी चाहिए। आपका जो ड्यूरेशन है ये 2 महीने की इंटर्नशिप रहेगी आपकी, मई से जून 2000 तक। इसके अलावा आपकी जो कंसोलिडेशन सैलरी है वो 5000 पर मंथ की जरूर रहने वाली है। तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मेंशन किया गया है, किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ खास जानकारियां भी दी हुई हैं जो कि आप अटेंशन करके पढ़ सकते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स को। उसके बाद आप जैसे यहाँ नीचे आएंगे तो आपको इसमें दिया जाएगा कि कौन इसका करेस्पॉन्डेंस है, किसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी इश्यू या क्वायरी को लेके। तो आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए। आपको इसको प्रिंट आउट करवा के या फिर आप ऑनलाइन जैसा भी चाहे इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, ये सारे डिटेल्स आपको भर देने हैं, एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला साइन करके डेट प्लेस और आपका सिग्नेचर के साथ इस फॉर्म को फिल करके उनको जरूर से भेज देना है। कहाँ भेजना है, किस ईमेल एड्रेस पे और किस तरह से, वो ऊपर पूरा आपको प्रोसीजर लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि एप्लीकेशन सबमिट करने का जो प्रोसीजर है ये वाला, हाउ टू अप्लाई, ये आपको कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो 30 अप्रैल 2021 तक की है, इसलिए इस डेट को मिस मत कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे फिल करके अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।